माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन नवरात्रों में आप सबका स्वागत करते हैं। नवरात्र के अवसर चल रहे हैं और आचार्य वाणी पर मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके समक्ष हूँ। ये हमारा चैनल है, इसके द्वारा हम नवरात्र में किस प्रकार से भगवती का स्तवन किया जाए वो आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में वर्णित किए गए हैं और सबके सब जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। सबके सब आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के अद्भुत सामर्थ्य रखते हैं। हम केवल उनकी आराधना करें, अपनी मनोकामना उनके समक्ष रखें, देखिए कष्ट दूर होंगे। इस संसार के कष्टों को दूर करने के लिए भी जो शास्त्र में नियम बनाए गए हैं वो गलत नहीं है, उनको हमें समझना चाहिए। इस संसार में कष्ट भोगने के लिए नहीं आए हम, इस संसार में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए हैं, जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए। भगवती के विभिन्न स्वरूपों का जो वर्णन शास्त्र में किया गया है उनको हमें समझना चाहिए। जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए ये भगवती का जो कालरात्रि स्वरूप है बड़ा भयंकर स्वरूप है, जिसमें माँ भगवती विशेष तौर पर गर्दभ पर आरूढ़ है और उनके चार दिव्य हाथ हैं। विद्युत का उन्होंने एक माला, जो विद्युत की तरह चमकने वाली जो माला है वो गले में धारण कर रखी है। खड़ग उनके हाथ में है और विशेष तौर पर एक वज्र के स्वरूप में भी अस्त्र उनके हाथ में रहता है और दूसरा हाथ वरद रूप में आशीर्वाद देने के लिए, और इस प्रकार से आशीष प्रदान करने वाला एक हाथ भी वहाँ है कि जो समस्त प्रकार की मनोकामना आश्वस्त करने वाला वो वरद हस्त है कि आप जो भी मांगेंगे वो अवश्य आपका कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगी माँ भगवती। जीवन में शत्रु बहुत परेशान करते हैं, हम सब शत्रुओं के संहार में लग जाते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आया है कि उस मंत्र का जप करके आप अपनी शत्रुता को समाप्त कर सकते हैं। ये व्यक्ति के मन की मंशा है, उसको समाप्त करने की आवश्यकता है कि शत्रुता मन में समाप्त हो जाए। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में एक मंत्र आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, कि मेरे वैर भाव जो रखने वाले लोग हैं उनका वैर भाव मन से समाप्त हो जाए, इसके लिए मैं भगवती से आराधना करता हूँ। तो समस्त प्रकार के जब तक वैरी रहेंगे, जब तक आपका अहित करने वाले लोग इन संसार में विद्यमान रहेंगे, तब तक आप साधना भी नहीं कर सकते। सोचिए भारतीय संस्कृति में इस बात को सनातन पद्धति में समझाया गया, इस बात को कि अपने शत्रुओं को समाप्त करना, शत्रुता का समाप्त करना भी परम आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं होगी तो क्या होगा, मन शांत होगा ही नहीं। हम शांत करने के लिए यज्ञ में बैठे, कोई आएगा पत्थर मार देगा, कोई आएगा कुछ और उपस्थित कर देगा बात, तो उन सबको भी ठीक करना परम आवश्यक है। तो उसके लिए ही शास्त्र में ये नियम बनाए गए हैं। तो आप माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कहा जाता है कि आज के दिन शहद से माँ भगवती का स्नान कराया जाता है। शहद से बने हुए जो भोज्य पदार्थ है वो भगवती को अर्पित किए जाते हैं और उनके द्वारा ही भगवती की यज्ञ में आहुति प्रदान की जाती है और काली मिर्च की आहुति प्रदान की जाती है भगवती महाकाली को प्रसन्न करने के लिए। ये भगवती का विभिन्न जो स्वरूप बताए गए हैं समस्त प्रकार से कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। आप उनके निमित्त विशेष तौर पे यज्ञ करें, उनके निमित्त ध्यान करें, पूजन करें, आपके समस्त कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग बनेंगे। और पीली सरसों के द्वारा विशेष तौर पे यज्ञ करने का इन मंत्रों के द्वारा एक नियम बनाया गया है भगवती कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए। तो विभिन्न स्वरूप हैं, उनके ध्यान के नियम हैं, उन सबको समय समय पर हम वर्णित करते रहते हैं आपके समक्ष। धन्यवाद।